हमारे भारत में सदियों से चली आ रही स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन जहाँ पीरियड की बात आती है वहाँ महिलाओं की स्थिति में सदियों से कोई बदलाव नहीं आया है, खासकर हिंदू समाज में जिसमें पीरियड को लेकर हमारे भारत में महिलाओं को अछूत माना गया है। आइए बात करते हैं करौली की कुछ महिलाओं से। जो हम लोगों को चार दिन जब महीने के पीरियड के होते थे, हम लोग कोई भी काम नहीं करते थे, सिर्फ बर्तन मांजने तो वो भी सूखी मिट्टी से सूखे बर्तन करते थे हम लोग, धो के वो भी हम लोग नहीं रखते थे, और चार दिन कमरे में ही रहते थे, किसी को चेहरा नहीं दिखाना होता था, और अपने से जो बड़े हैं वो भाई वगैरह हैं वो चेहरा नहीं देखते थे, किसी भी बर्तन को छूते नहीं थे, जैसे पीने के पानी है वो भी मांग कर पीना पड़ता था, तो कई बार ऐसे प्यासे भी मरने पड़ता था। जब चार दिन हो जाते थे तो उन बिस्तरों को भी धो के वापस रखते थे और फिर वापस हम लोग बर्तन के और भगवान के मंदिर में आते थे। चार दिन वो होते थे तो बड़े एक सजा जैसे हम लोगों को लगती थी कि भगवान ने ये हमें ही क्यों दिया महिलाओं को, जो चार दिन हमको इस तरीके से पुरुषों के साथ तो कभी ऐसा नहीं होता है। आपके खाना कौन बनाता है जब आप हो जाते हो टाइम से? किसी दूसरे को ही बुलाते हैं खाना बनाने के लिए। फिर बर्तन वगैरह कौन साफ करते हैं? दूसरों को ही करवाते हैं बर्तनों को। मेरी बेटी जब हुई पहली बार तो उसको भी इस तरीके से सिचुएशन पेश करना पड़ा एक दफ़े, तो क्योंकि हम भी संयुक्त परिवार में रहते थे, मेरी सास वगैरह है, हम सात देवर जेठ थे, लेकिन मैंने अपने घर में शुरुआत की। मैंने मेरी बेटी को बोला कि क्या तुम सब जगह छो हाथ, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको हाथ नहीं लगाना, अलग से बिस्तर दिए जाएंगे अलग से। तो थोड़ा घर में हंगामा हुआ, घर वाले सब नाराज़ हुए कि ये सारी गंदगी फैला दी, तो मैंने उनको समझाने का प्रयास किया था कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये गंदगी है, जो खून है ब्लड जो सर्कुलर करता है और वो जो गंदा खून इकट्ठा होता है वो चार दिन बाहर निकलता है तो वो हमारे शरीर स्वस्थ रहता है। और आज घर में यही है कि जो भी मेरे हमारी बेटियां हैं या जो परिवार की लड़कियां हैं वो आराम से घर में सब कुछ काम करती है, चार दिन सब कुछ छुट्टी है, उनको पानी मांग के नहीं पीना पड़ता, खाना मांग के खाना नहीं पड़ता, तो उनका एक परिवर्तन आया क्योंकि उनके एक मन में कुंठा नहीं होती है ऐसे में, और लड़कियाँ अच्छे से ग्रोथ करती है, अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त नहीं होती है। मैं इस दौर से गुजरती हूँ जहाँ तक है कि मैं दीपक भी नहीं जलाती हूँ, घर की किसी चीज़ को नहीं छूती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह कुछ अलग नहीं है, जो रोज़ करते हैं वही चार दिनों में करना चाहिए, अशुद्ध नहीं होने चाहिए कि भावना को मन से हटा देना चाहिए। जब तक महिलाएं अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगी जब तक इस स्थिति में सुधार नहीं आ सकता है। सुनीता कसेरा, इंडिया नर्ड के लिए।